हमारा परमेश्वर कौन सा परमेश्वर है? यहोवा। हालेलुया। हमें एक चीज जो है नहीं करनी प्रभु में आके, हमें अपना सिर, अपना हेड किसी दूसरे के आगे नहीं झुकाना प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के। बस हम शादी के खिलाफ नहीं। आप करो शादी जिससे मर्जी करो, किसने मना किया? आप संसारिक शादी करो, किसने किया? सीधा बोलो कि मैं अपने परमेश्वर के आगे झुक सकती हूँ, बाकी किसी आगे नहीं झुक सकती। अगर वो सहमत है तो करो शादी, किसने मना किया? हालेलुया। अगर तुम जिस परमेश्वर को मानते हो, जिसने तुम्हें बचाया, जिसने तुम्हें गरीबी से बाहर निकाला, जिसने तुझे अमीर बनाया, और तुम एक जगह पे जाकर उसे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो, बस वही तो कह रहे हो। क्या कह रहे हैं हम? क्या कह रहे हैं आपको? हम यही तो कह रहे हैं ना आपको कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ किसी दूसरे को परमेश्वर नहीं कह सकते। यही तो बात हम कह रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं आपको? नाच नहीं सकते आप, नाचो, एंजॉय करो, आप सब कुछ करो। हम तो यही कह रहे हैं आपको कि हम अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अलावा किसी के आगे सिर नहीं झुका सकते। हालेलुया। क्योंकि हम अपनी जगह पे स्टैंड लेंगे। आपको हमारा स्टैंड लेना पसंद नहीं है तो छोड़ो भाई। हालेलुया। अगर हम अपने परमेश्वर के लिए स्टैंड नहीं ले सकते तो क्या जब हमें जरूरत होगी तो परमेश्वर स्टैंड लेगा? कभी नहीं लेगा वो। इसी में लोगों को बोलता हूँ, हम एक काम नहीं करते, तुम सब काम करोगे। हम करने को तैयार है, हम तुम्हारी शादी में आने को तैयार है, सब कुछ करने को तैयार है, बस हम एक काम नहीं कर सकते, हम अपने परमेश्वर के अलावा किसी के आगे सिर नहीं झुका सकते। तो नहीं झुका सकते, मरना तैयार है। क्योंकि जब हम मर रहे थे तो कौन से रिश्तेदार हमें बचा रहे थे? तब कौन कह रहा था शादी होगी? तब तो ये कह रहे थे मर जाएगा शादी से पहले। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आज आपको मेरी बात एकड़ भी लगेगी। तब वो आपकी बहन कहां गई थी? तब आपका चाचा कहां गया था? तब आपका ताया कहां गया था? जब आप मर रहे थे। आज मेरे रिश्तेदार मुझे फोन करते हैं, आजा तू आजा। मैंने की बात बोली, मैं जिस परमेश्वर ने मुझे यहां तक पहुंचाया वो मुझे आगे भी ले जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। शादी की क्या? जिससे शादी हुई क्या आपको छोड़कर चल जाएगी? क्या कर लोगे? मैंने देखा टूटते रिश्तों को, बंदे छोड़ के चले जाते। क्या कर लोगे आप? सामने आपके जो वफादार है पीठ पीछे वफादार नहीं है। ऐसा नहीं है कि पीठ पीछे भी वफादार है। अगर पीठ पीछे वफादार चाहिए तो आपको भी प्रभु के लिए वफादार होना पड़ेगा। हालेलुया। जैसा तुम बीज बोओगे वैसा तुम उखाड़ोगे, वैसे तुम खेती में से देखोगे वैसे तुम वटोगे। हालेलुया। तुम रोते हो बोओगे, तुम खुशी के साथ वटोगे। हालेलुया। मैं सच बोलूं, मैंने जिंदगी में कभी नहीं झुका। मेरे समाज ने मेरे रिश्तेदार मुझे छोड़ दिया, कहते पागल हो गए। ये कहता मैं किसी और के आगे सिर नहीं झुकाऊंगा। मैं कहता तुम्हारे आगे झुकाऊंगा, बुजुर्गों के आगे झुकाऊंगा, पर किसी भी चीज के आगे प्रभु को छोड़ के मैं सिर नहीं झुकाऊंगा। हालेलुया। मेरा जीना यीशु के साथ, मरना यीशु के साथ। तुमने मुझे क्या दिया जब मुझे जरूरत थी तुम्हारी? अगर प्रभु ना होता तो आज मैं ना होता। समझ आ रही कि नहीं आ रही? जिस बाप से मैं प्यार करता हूँ, थोड़े दिन पहले उनको लोगों ने बोल दिया मरने वाले हैं। मैं कहा नहीं नहीं, अब नहीं जाते। हाँ हालेलुया, अब दोबारा ठीक हो चुके हैं, वो दोबारा भाग रहे हैं। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तुम्हारी सोच से बढ़कर खुदा काम करने वाला है। वो कहता मैं सिर्फ तुझे नहीं बचाऊंगा, तेरे बुजुर्गों को बचाऊंगा तेरे साथ। हालेलुया। एक बात यार, स्टैंड लेना पड़ेगा आपको। मैं बहनों को बोलता हूँ, आप अपने बच्चों की मैरिज करो, हम सहमत है। यहाँ पे मैरिज ब्यूरो खुल चुका है, फ्री मैरिज है। आप अपने डॉक्यूमेंट दो, 10 दिन में रिश्ता हो रहा है। पर बात ये है कि आप अपने बच्चों को जो प्यार करते हो, सच में प्यार करते हो, गलत रिश्ता ना जोड़ देना। क्योंकि एक गलत रिश्ता मिलता है ना, पता लगता है जब उस परिवार के ऊपर होता है। आज जो कह रहे हैं आंटी साढ़ा मुंडा शराब नहीं पींदा जी, पता क्या शाम में रोड ठेके होते बैठा होगा। हाँ फोटो अच्छी मत देखो, उसका करेक्टर भी चेक करो। सिर्फ अमीरी मत देखो पैसे की, तुम्हें गरीब मिल जाए, घर अपना हो एक कमरे का चलेगा, वैसे तुम्हें रोटी खिला सके, तुम्हारे दुख सुख में साथ दे सके, उससे अच्छा पति तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। मेरे समाज ने मेरी सर मुझे छोड़ दिया, कहते पागल हो गए। वो कहता मैं किसी और के आगे सिर नहीं झुकाऊंगा। मैं कहता तुम्हारे आगे झुकाऊंगा, बुजुर्गों के आगे झुकाऊंगा, पर किसी भी चीज के आगे प्रभु को छोड़ के मैं सिर नहीं झुकाऊंगा। हालेलुया। मेरा जीना यीशु के साथ, मरना यीशु के साथ। तुमने मुझे क्या दिया जब मुझे जरूरत थी तुम्हारी? अगर प्रभु ना होता तो आज मैं ना होता। समझ आ रही कि नहीं आ रही?